हेलो दोस्तों, मैं बाल मुकुंद ए के मुकुंद जी टी आप सभी का पोकेमोन गो की एक नई वीडियो में फिर स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे पोकेमोन सीडे के बारे में। पोकेमोन सीडे निकल चुका है और आज 2 दिन हो चुके हैं पोकेमोन सीडे ख़त्म हुए, यानी कि आज है 22 और 19-20 पोकेमोन कम्युनिटी डे था, जो कि बहुत ही अच्छा कम्युनिटी डे था और मेरे लिए खासतौर पर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। मैंने काफ़ी सारी एक्सपी ग्राइंड की क्योंकि मुझे लेवल 49 हिट करना था और मैंने लेवल 49 हिट किया और उसके लिए मुझे इवॉल्व करने पड़े 400 पोकेमॉन्स, यानी कि 35 प्लेटिनम बैजेस चाहिए थे जिसमें से 34 मेरे कंप्लीट हो चुके थे और एक प्लेटिनम बैच चाहिए था जिसको मैंने जो था उसको कंप्लीट किया। 400 पोकेमॉन्स 2 दिन में मैंने इवॉल्व किए हैं, जो कि मज़ा आ गया और काफ़ी सारे पोकेमॉन्स इवॉल्व हुए किए हैं, खास तौर पे बहुत मज़ा आया। हम लोग ने लोहिया गए थे, लोहिया में भी अपना गेम खेला लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं जा पाया था। मैंने दोनों दिन गया था, मैं एक दिन तो मैं करीब अप्रॉक्स 2 आवर्स के आसपास मैं रहा था, मैं 3:30 बजे के आसपास मैं लोहिया पार्क गया था और वहाँ हमारे एक काफ़ी पुराने मित्र जो कि कम्युनिटी में न्यू मेंबर हैं तो हमजा मोहित, वो मिले थे जो कि काफ़ी टाइम से इंस्टा पर उनसे बात हो रही थी और उनसे उनका टाइम नहीं मिल पाता था सीडे में या किसी भी मीटअप में आने का, तो इस मीटअप में उनको आने का मौका मिला तो वो आए और हम लोगों ने काफ़ी देर लगभग अप्रॉक्स 3:30 बजे से 5:30-6 बजे तक हम लोगों ने गेम खेला, तो बहुत ही मज़ा आया गेम खेलने में और काफ़ी सारे शाइनीज मिले और अप्रॉक्स मुझे 110+ शाइनीज मैंने कैप्चर किए, जो कि काफ़ी सारे थे और उसमें से एज यूजल मैं आधे से ज़्यादा शाइनीज ट्रांसफ़र कर दूंगा क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम है और काफ़ी सारे शाइनीज मेरे पास ऑलरेडी पुराने सीडेज के थे, मुझे उसे कुछ ही चाहिए थे जिनकी कुछ अच्छी शाइनी की अच्छी आईवी हो जिनको मैं इवॉल्व कर सकूं, तो ये सब काफ़ी सारे थे। और अगर हम बात करें मुझे कौन कौन से शाइनीज मिले हैं तो क्यूरम फाइनली मुझे सीडे के दूसरे दिन क्यूरम मिल गया है और जैसे कि पोकेमॉन हॉलीडे चल रहा है तो उसमें भी थीम जो शाइनीज़ हैं वो भी मिल गए हैं, जो कि सेल्फ है, दोनों दो सेल्फ मिल चुके हैं और काफ़ी अच्छा रहा सब कम्प्लीट है तो मैं बहुत बढ़िया था, काफ़ी सारे शाइनीज़ मुझे मिले हैं। सेल्फ मिला है, क्यूरम मिला है, स्नोवर जो कि प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, टेलीफ्लेम, गिबल और भी काफ़ी सारे पोकेमॉन्स मिल गए हैं जो कि ऑलरेडी थे। मुझे कैंडीज़ चाहिए थी, कुछ एक्सेल कैंडीज़ चाहिए थी। हाँ, एक चीज़ का अफसोस हुआ, मैं ईवी ज़्यादा इवॉल्व नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं अल्टरनेटिव्स किसी से ट्रेड कर लूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इवॉल्व है, मुझे कम्युनिटी डे मूव्स चाहिए तो मैं कुछ के जो पिछले कम्युनिटी डे में छूट गए थे तो मैं उनको ट्रेड कर लूँगा जिन लोग के पास एक्स्ट्रा हैं इवॉल्व किए हैं, तो काफ़ी सारे पोकेमॉन्स रहे। और कम्युनिटी डे सबसे अच्छी बात है, कम्युनिटी डे की जो शुरुआत रही, कम्युनिटी डे की शुरुआत में ही, शुरुआत के आधे घंटे पहले मुझे ओबामा स्नो मिल गया था, सॉरी स्नोवर मिल गया था जिसको मैंने इवॉल्व किया ओबामा स्नो में क्योंकि हमें टास्क कंप्लीट करना था, और कपचू, ये दोनों मुझे कम्युनिटी डे स्टार्ट होने के जस्ट हाफ एंड आवर पहले मिले जो कि मैं अपना स्टोरेज खाली कर रहा था ताकि मैं उसको कर सकता हूँ। और अब एक क्लिप आप देखिए जो मैंने कम्युनिटी डे में जब मैंने लेवल 49 हिट किया था, वो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो मैंने लेवल 49 हिट किया और उसमें क्या क्या टास्क से आए हैं उसके रिलेटेड पूरी वीडियो आप देखिए। अब लेवल 49 होने के लिए 35 प्लैटिनम मेडल्स चाहिए जो कि 34 हो चुके हैं और 35 के लिए मुझे एक प्लैटिनम मेडल चाहिए, यानी कि मैं एवोल्यूशन मेडल्स को मुझे प्लैटिनम करना होगा और 2000 एवोल्यूशन मुझे करने होंगे। अब मेरा सिर्फ एक एवोल्यूशन बाकी है जो कि हम करेंगे ड्रेटिनी, लास्ट ड्रेटिनी, लेट्स इवॉल्व, ड्रेटिनी इवॉल्व हो रही है और इसके साथ ही 2000 एवोल्यूशन हो जाएंगे, यानी मेरा प्लैटिनम मेडल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ गया है ड्रैगन एयर, फेवरेट पोकेमॉन्स में से एक है ड्रैगन एयर, शाइनी ड्रैगन एयर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इस बैक और ये 2000 एवोल्यूशन कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जल्दी से और क्या हुआ नहीं,
48, 35 medals complete, and 4 tasks complete. 48 पे क्यों अटका हुआ है, 49 रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट हो गए हैं. अच्छा 49 हो गया. और ये आया ये पॉपअप आओ 49 का, ये आया 49 का पॉपअप एंड काफ़ी खूबसूरत 49. 30 अल्ट्रा बॉल, 25 एक इंसेंस या इंक्यूबेटर, सॉरी इंक्यूबेटर 49. 28,000 प्लस पोकेमॉन्स कैच किए हैं, 81 रेट्स का दिए और 15,000 बार पोकेस्टॉप स्पिन किया है, तो काफ़ी ज़्यादा ये है. एंड लेट्स गो, अब हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, इंस्टा पे डालेंगे. और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और 49 के टास्क देख लेते हैं. तो ओके, ये टास्क है, ऑलमोस्ट 1000 एक्सीलेंट थ्रो मार गए हैं, एक्सीलेंट थ्रो मार गए हैं, लाइक तो क्या हो रहा है. एंड कैच लेजेंडरी कैच करने हैं 5, टीम रॉकेट को डिफीट करना है 1500 से ऑल इजली हो जाएगा, 2500 से वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है टीम रॉकेट को. और नॉट शाइनिंग ये, अरे भाई क्यों काहे जा रहे हो लाइट. 49 हिट हो चुका है भाई, अब 50 की बारी है. 50 के लिए मुझे एक्सपी ग्राइंड करनी पड़ेगी और एक्सपी बहुत सारी एक्सपी करनी है, यानी कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट सीडे तक कंप्लीट हो जाएगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम लोग करेंगे इसको. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और आपके लिए मेरे पास काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं, जो कि मैं अब आपको रेगुलरली वीकली में 2 वीडियोज़ देता रहूँगा. कोशिश मेरी यही रहेगी एक वीक में 2 वीडियोज़ और जितने भी शॉर्ट्स वीडियोज़ हो सकते हैं वो मैं आपको दूँ. तो थैंक यू फॉर watching.